होगा ये तो हम कल चेक करते हैं। जी जनाब। अच्छा तैमूर भाई, अच्छा आप लोगों को दोबारा से मैं बताता हूँ कि जब आपने ये ओपन करना है ना सॉफ्टवेयर, तो आपके सामने एक ब्लैंक स्क्रीन आएगी, ठीक है। ब्लैंक स्क्रीन आने के बाद जो है आपने सिर्फ ये जो इधर न्यू लिखा, ये न्यू जो लिखा हुआ है इस जगह पे, इधर से आपने फाइल ओपन करनी है, वो मतलब इसको ओपन कर लेना है, आपके पास ये सारे डाटा जो है ओपन हो जाएगा। अच्छा तो तैमूर भाई आप ऐसे करें, फिलहाल जो है ना प्रोफाइल खोल लें एक और, ना एक इंसर्ट से प्रोफाइल नहीं ऐड करने, क्योंकि आपका ऑलरेडी डाटा ओपन है। नहीं 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 ये है इधर, ये है, ये है, एक मिनट में यहाँ से प्रोफाइल इंसर्ट करें। हाँ ठीक है, ठीक है मिल जी, ठीक है। तो ये प्रोफाइल ऐड हो गई है मेरे ख्याल से, ठीक है, ये बिल्कुल अभी खाली है, कोई चीज़ नहीं है इधर। अच्छा मोशंस पर जाएं इधर, आए मोशंस, ये प्रोफाइल के साथ जो मोशंस, हाँ जी। तो ये इनको ना थ्री डॉट, ये तो थ्री डॉट्स है ना, उस जगह पे जाकर वैल्यू डाल के दिखाएं कि किस तरह आपने अपना डाटा डालना है। ये सबसे पहले, हाँ जी, हमारे पास डेटा कहाँ से आता है, वो यहाँ से आता है, ये आप, आपको जो भी असाइन किया गया, टैफ किया गया, टोपेंगा किया गया, डैम या एलेक्ट्रो जो भी है, ये इनमें से आपने यहाँ पे लाके ओपन करना है, ओपन कर, क्योंकि आपका तैमूर ओपन है तो आप क्रॉस कर दें फिलहाल, बल्कि नई फाइल में, नई प्रोफाइल है ना आप, या ऑलरेडी, ठीक है आ जाए, क्रॉस करें, क्रॉस करें। तो आप लोगों ने यहाँ से ना ओपन करना है सबने, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यूज ओपन हो जाएंगी, ये सारी जो है वो बिल्ट इन है, यानी ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में गिवन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, दोबारा से प्रोफाइल्स में जाना है फिर, जब आप लोगों ने ये फाइल ओपन कर लेनी है। तैमूर भाई चले जाएं प्रोफाइल्स, ये फाइल्स कहां पर हैं, पर जाऊं मैं? हाँ जी प्रोफाइल्स में, प्रोफाइल्स हैं, फाइल्स नहीं। अच्छा फाइल्स यार, ये फाइल जो है ये सॉफ्टवेयर के अंदर है, जब आपने, मैंने आपको जहाँ पे स्टेप बताया ना कि मोशंस में जाएंगे, वो थ्री डॉट्स जो होंगे फाइल ओपन करने के लिए, तो आपके पास चार पांच नाम आ जाएंगे जो आपको असाइन की है रिपोर्ट के अंदर, प्रोग्राम बेस्ड लर्निंग है, उसमें आपने चले जाना, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है सबसे पहले मटेरियल आप लोगों ने नेम लिखना है आपका, जो सिल्टी सिल्ट है मेरे ख्याल से पहले, तो उसका नाम लिखने, जो भी कुछ हो, ठीक है, उसका नाम लिखना है। और क्योंकि सॉइल है तो वो क्या है आपके पास, सॉइल जो है ना वो डेरन डेली 2001 है, तो आपने क्या करना है उसकी थिकनेस यहाँ पर लिखनी है, थिकनेस जो है वो 10 मीटर है। और ये खास ख्याल रखना है कि आपके जो यूनिट्स है ना, ये यूनिट जो है ये यूएस कस्टमरी ना हो, ये मेट्रिक होने चाहिए, ठीक है ना। तो इससे ये होगा फिर आपको आसानी हो जाएगी, वरना आप कन्वर्जन में बैठे रहेंगे मेरी तरह, फिर पूरा दिन जाया करेंगे, फिर पहले वाले बंदे को स्ट्रगल करना पड़ता है। अच्छा तो आगे चलते हैं हम, तो अब ये थिकनेस डालनी है आपने, यूनिट वेट भी उन्होंने दिया हुआ है वो निकालना है, मतलब वो भी डालना है इधर, जी मैक्स भी आपने पुट करना है। तो जी मैक्स जो ही पुट करेंगे आपने, एंटर करना है, तो क्या होगा वी एस की वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब आपने ये स्ट्रेंथ फैक्टर को जो आपने ना अप्लाई करना है, तो ये ओपन हो जाएंगे आपके पास सी, यानी आपके पास ये भी ओपन हो जाएगा स्ट्रेंथ फैक्टर, पी एच आई भी जो है, ये आप यहाँ पे भी वैल्यू की भी वैल्यूज भी आपको गिवन है सी प्रोग्राम बेस्ड लर्निंग के अंदर, ठीक है। तो ये सब आप लोगों ने वहां से जो है ना वैल्यूज डाल लेनी है। और इस तरह क्या करना है तमूर भाई, इनको ना 7 लेयर्स बनाकर दिखाएं, ये सामने ना नंबर ऑफ लेयर 7 करके दिखाएं, जिधर 2 लिखा हुआ, 4 5 ये 7 इस तरीके से जी, ये देखें ना 5 लेयर्स हैं, इनको आप यहाँ से आगे पीछे भी कर सकते हैं, ये एरोस बने हुए हैं कुछ, ठीक है। तो यानी नेक्स्ट लेयर पे, नेक्स्ट से नेक्स्ट लेयर पे आप जाना चाहिए, या डायरेक्टली आप 1 और 7 के दरमियान जाना चाहिए तो वो भी है। मटेरियल नेम तैमूर भाई जाके दोबारा 1 पे चले जाए ना, 1 पे लिख दिया था, हाँ ठीक है, मटेरियल नेम भी लिख दिया हमने, सब कुछ लिख दिया। और आपने एक काम और करना है, दूसरी आपको पी आई की परसेंटेज दी होगी वो यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। यानी क्या था यार, ये प्लास्टिक इंडेक्स था, अच्छा तो इसकी वैल्यू आपने ना यहाँ पर पुट करनी है। तो ये सारी वैल्यू जब आपने पुट कर ली, इस तरह आपने 7 की 7 लेयर्स को पुट करना है। और आपने ये याद रखना जो 7वीं लेयर है, तो मुझे 7वीं लेयर को ओपन कर ले। हाँ जी, हाँ जी, तो 7वीं लेयर जो है वो मटेरियल नेम है उसका बेडरॉक लिखी है। वहाँ ऊपर भी जगह थी, आप वहाँ भी लिख देते, कोई इधर आने की जरूरत नहीं थी। लेयर डिटेल्स में दोबारा जाए, घूम गए हम।
अच्छा अब इसकी थिकनेस नहीं आएगी आपको पता है, क्योंकि बेडरॉक जो है ना आपके सॉइल के नीचे, आपको नहीं पता कितनी नीचे है, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। लिमिट है लेकिन अभी हमें नहीं पता कि कितनी किधर तक हमने करनी है, तो इसलिए अनलिमिटेड है, उसने थिकनेस नहीं दी है। तो यूनिट वेट उसका गिवन है, आपको उसकी जी की वैल्यू भी गिवन है, आपने वो पुट करनी है, वी आ जाएगा वहां से, और इसका स्ट्रेंथ करेक्शन फैक्टर जो है वो आपने ऑन नहीं करना है क्योंकि आपके पास इनकी वैल्यूज नहीं है, ठीक है। इसकी आपके पास पी आई भी नहीं है तो वो भी जीरो होगी, ठीक है। तो ये जब सारा कुछ हो जाएगा उसके बाद अपने ना साइड पर आपको ये नजर आ रहे हैं अपने लेयर आउटपुट्स, जिसमें है मोशन टाइम हिस्ट्रीज, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन टाइम हिस्ट्रीज, आउटक्रॉप, अप्लाइड वॉल। आपने इन सबको ना जो है ना अप्लाइड सबको चेक करके तो अप्लाई कर देना। तमूर भाई ये सब कुछ आप चेक करके तो अप्लाई कर दे। ये मैं क्या कह, ये मोशन वाले को, हाँ जी सारों को कर दें, सारों को चेक करके तो अप्लाइड वॉल तो ऑलरेडी हुआ हुआ है, ठीक है। तो अब इनको जरा एक बार आप ना घुमा के दिखा दें कि ये हर जगह पे मतलब कि आ रहे, सब में अप्लाई हो गया, सारी लेयर्स एक बार ओपन करके दिखा दें। अप्लाइड वॉल लेयर ये देखिए, हाँ जी ये बस ठीक है, ये सब में आ रहा है। तो अच्छा अब ऐसे करें तिमूर, तिमूर भाई आप अपना अपनी फाइल जो है पहले वाली वो वाली फाइल खोल ले, प्रोफाइल जिसमें वैल्यूज ऑलरेडी पुट है सारी। जी ये देखिए, ये अब इस तरह की प्रोफाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपने जो है सब कुछ जो भी मतलब कि पुट किया वो सारी वैल्यूज आ गई। अब आपके पास जो सबसे पहला काम है ना, काफी काम है, कुछ तो काम आप लोगों ने जो है ना तो आपके असाइनमेंट में जो है वो एंड पे है, यानी वो बाद में कहा गया है, लेकिन आप उनको यहाँ पर शो वो पहले होंगे। तो तमूर भाई ऐसे करना है आपने के बेटा जी, ये लेयर प्लॉट में शेयर वेव वेलोसिटी और इनके ग्राफ भी जो है ना वो आपने प्लॉट करने हैं। कहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐसा करें ये रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम डाटा में एक बार जरा क्लिक करें, ये क्लिक दोबारा से, ये रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम डाटा। अच्छा ये हो गया क्लिक। अच्छा एक कुछ चीजें मैं देख रहा हूँ, ठीक है इसको ओके कर दें, ये ओके कर दें आप जी। ओके अच्छा जी, अब है अब ये सॉइल मॉडल्स को भी जरा चेक करें। अच्छा नहीं बस ठीक है, मुझे नजर आ गया, मिल गया वापस आ जाए उधर से। अच्छा अब आपने क्या करना है कि आपने अब लेयर्स को प्लॉट करना है, ठीक है। आपकी एक क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो लेयर्स को प्लॉट करना है, तो ये लेयर्स की प्लॉट करने पे यहाँ पे प्लॉट पे आ जाए जरा, ये बताता हूँ आपको, ये प्लॉट है ये जी, ये जो है ना आपके सामने लेयर्स प्लॉट हो गई है, ठीक है। इसमें डैम्पिंग भी हो रही है, डैम्पिंग रेशियोज भी हैं, इस साथ के साथ लेयर्स प्लॉट हो गए हैं। आपने क्या करना है, इनको कॉपी टू रिपोर्ट करते जाना है, ठीक है। तो कॉपी टू रिपोर्ट करेंगे ना तो ये खुद ब खुद रिपोर्ट के अंदर सेव होते जाएंगे, तो आपने उस पर काम करते जाना। तमूर भाई आप ना करें क्योंकि आपको मिक्सअप हो जाना है, आपकी रिपोर्ट जो है वो फिर जंबल हो जाएगी। अच्छा ठीक है, हाँ जी क्रॉस करते हैं इसको फिलहाल। अब ये ऊपर वाले क्रॉस से कर ले, पर क्रॉस है नॉर्मली, इसको जो क्रॉस कर लेना, ये जो बना हुआ है क्रॉस। हां जी ये वाला, ये यार कोई ये क्लियर कंप्लीटली बनाकर दिखा सकते हो पहले वाली, हमने बनाकर दिखाई है सारी लेयर्स आपके सामने, पहली लेयर कंप्लीट की थी, मैं था नहीं तब। ये रिकॉर्डिंग आपको दे देते हैं, अभी थोड़ी देर ही लगेगी, ज्यादा बड़ी रिकॉर्डिंग चलेगी, ठीक है। लोधी भाई अभी बैठे बैठे अपना नया YouTube चैनल बनाएंगे और आपको रिकॉर्डिंग भेजेंगे। एक्चुअली मैं इसलिए चाह रहा था कि अगर आप मेरे सामने कर लेते तो कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाती। तमूर भाई इसलिए कर रहे हैं ना, आपके सामने ही कर रहे हैं, या मेरा लैपटॉप जो है ना उसकी चार्जिंग नहीं है, तो फिर आप लोगों को आवाज भी नहीं चाहिए, और वो थोड़ा सा इशू है उसमें अभी, ये सॉफ्टवेयर की वजह से इशू आया हुआ है, वो मैं अभी ठीक कर रहा हूँ। कल 4 बजे सबमिशन है, जल्दी आया ना यार, जल्दी आया ना, उससे सारे मिलके कर लेंगे। चले आज मैं सुबह आ जाऊंगा, आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर लेता हूँ, सुबह भी आ जाऊंगा, जिसको कोई मसला हो मैं बता दूंगा। अच्छा आगे चलते हैं, तमूर भाई आप जो है ना अपने प्रोफाइल को प्लॉट करना है, प्रोफाइल को प्लॉट करने के लिए ये प्लॉट, एक मिनट ये वाला प्लॉट करें, ये वाला जी जी जी। हाय हाय तमूर भाई,
ये इशू तुम इसने मेरी पूरी रिपोर्ट खराब कर दी सिर्फ एक सवाल की वजह से। कंटिन्यू करें ये चल जाएगा, ये वाला चल जाएगा लेकिन अगला वाला नहीं चलेगा। अच्छा उसने आपको यही कहा हुआ था कि आपने शेयर वेव वेलोसिटी को भी प्लॉट करना है, स्लोनेस को, मैक्सिमम शेयर मॉडुलस को, यूनिट वेट को, ठीक है, ये सारे जो चीजें दी है ना, फ्रिक्शनल एंगल, शेयर स्ट्रेंथ, ये भी एक क्वेश्चन है, तो इनको आपने प्लॉट कर लेना है, कॉपी टू रिपोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो कोई मसला तो नहीं है ना इसमें? मतलब स्लोनेस को पहले कर, पहले ये, फिर स्लोनेस, फिर मैक्सिमम शेयर मॉडुलस, यूनिट वेट, अलग अलग चेक करने के बाद इनको कॉपी टू रिपोर्ट करना है। ठीक हो गया जनाब, तो अब इसको जरा क्रॉस करने, ये तभी तो वो ही नहीं होता है काम जाए। ये आपकी प्रोफाइल कौन सी, टू ओपन हुई हुई है, उसमें वैल्यूज पूरी है, फिर क्यों नहीं आ रहा है? प्रोफाइल टू में तो वैल्यूज आपकी पूरी है, ये डाटा तो शो होना चाहिए। मेरे साथ भी यही हो रहा था, मुझे लगता है ये क्रैक वर्जन की वजह से हो रहा है, ये ट्रायल की वजह से बफरिंग हो रही है। या वो ना, ये असल में ये सॉफ्टवेयर आपको कंप्लीट नहीं है, रजिस्टर्ड भी नहीं है, उसकी वजह से ना, मतलब जो गैर कानूनी तरीके से भी रजिस्टर्ड हो जाए ना, लेकिन वो रजिस्टर्ड माना जाता है, ये रजिस्टर्ड ही नहीं है। ट्राई करें, इंशाल्लाह हो जाएगा दोबारा ओपन करने का। चला दोबारा, साजिद जी जी मैं तो कहता हूँ आगे करवाओ काम, क्योंकि इसके काम में समझ आ रही है लेकिन ये हो नहीं रहा। अच्छा चले तो मुरभाई आगे चलते हैं, अभी फिलहाल टाइम कम है, क्रॉस करें। अब आपके पास ये प्लॉट आ गए सारे, ठीक है ना, ये क्रॉस करते हैं। अब नॉर्मली बच्चों ने क्या करना था, इधर से एक और तरीका था वो प्लॉटिंग का, दूसरा ना ये रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम डाटा से, इससे आगे एक और तरीके थे उनसे प्लॉटिंग होती है, वो बोले प्लॉट जो है ना वो ठीक नहीं है। तो ऐसा करें आप बस यहाँ तक काम हो गया आपके, जो एक एक यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने वही दोबारा से जाना है इनपुट मैनेजर में, आपने जाकर इनपुट मैनेजर में ये वैलिडेट करना है, बल्कि तो वैलिडेट डाटा करना है, तो ओके आ जाएगा, ठीक है ना, वो इस साइड पे शो कर देगा ओके। हाँ जी, वैलिडेट डाटा को क्लिक करें, ओके आ जाएगा। अब ये क्या कह रहे हैं यार, ये इनकोरेक्ट वैल्यूज हैं आपकी, प्रोफाइल वन ऐसे करें ना, डिलीट कर दें, इसलिए इनकोरेक्ट आ रही है, उसमें हमने वैल्यूज डाली नहीं है। प्रोफाइल वन को डिलीट करना, टू को ना कर देना, नहीं 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 अब करें, आपका सारा डाटा गया था, चले अब करें वैलिडेट डाटा, ओके आ गया। आर नॉट कंसिस्टेंटली रिजेक्टेड, बीजे मैक्स आर नॉट कंसिस्टेंटली रिजेक्टेड, मैं इसको ऊपर क्लिक करना। हाँ हाँ देख लें इसको, देख बस आप ठीक है। हाँ ये 471 आपका पहले भी नहीं था ना, ये मेरा वो मैं क्यों, मेरा 471 आपको क्यों ऐसे आ रहा है। अच्छा वैलिडेट हो गया, ओके हुआ है, अब क्या कह रहा है, यू नॉट वेट सी जीएमएक्स आर नॉट यार लोधी, ऐसे अगर मीटिंग में बचे ऐड कर दो यार, कॉलें आ रही है। मैंने यानी कि वो वाला रखा ही नहीं हुआ कि किसने आना, जो भी आएगा वो खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। एक बार मैं इसको दोबारा देख लेता हूं, देख लो तैमूर लोधी, फिर भी ऐड कर लो, बच्चे फायर वेट कर रहे हैं। सामने सामने नजर आ रहा है, सामने नजर आएगा, वैसे भी मैंने उसको कहते हैं अलाउ नहीं किया, मैंने जो भी आएगा वो खुद ऐड हो जाएगा। अच्छा वो ना बाकी सारे तो बेंचों पे बैठे हैं, वो एक है प्लस ही, वो नीचे बैठा हुआ बेंच पे, असल वो कर रहा है कॉलिंग। भाई कोई हसन को मैसेज करके बता दो एंट्री फ्री है, कोई नहीं पैसे लगाएंगे वगैरह, ऐड करो ऐड करो। अभी देखते हैं लास्ट, सर
साजिद जी जी। अच्छा मैंने डेटा देखते हुए थोड़ी सी प्लॉटिंग यहाँ पर यानी कि डेटा इनपुट किया, इसमें इनपुट करने के बाद क्या करना होता है? डेटा आपने मतलब के एंटर कर दिया, ठीक है, तो डाटा एंटर करने के बाद जो है ना, जब आपने सारी लेयर्स में ऐड कर लिया, आपने आखिरी लेयर जो है वो बेडरॉक की बना दिया, और आखिरी लेयर जो है वो बेडरॉक की है, तो उसके लिए जो है ना, अच्छा तैमूर भाई वो सातवीं लेयर में जाके जरा एक बार दिखा दे इनको कि उसमें ना वो डियोड्रिया जो है वो 2001 नहीं यूज करना, उसका रॉक इद्रीस यूज करना है, वो दिखा दे यहाँ पर सातवीं लेयर में, सातवीं लेयर में जाके दिखा दे। हाँ जी यही है मेरे ख्याल से, इसको इनको दिखा दे, ये डायरेक्टली 2001 यहाँ पे रॉक इद्रीस यूज करना है, और अपना इसके जो बेड रॉक की प्रॉपर्टीज के लिए जो है ना वो, या रॉक्स की प्रॉपर्टीज के लिए रॉक की थ्रीज है। अच्छा तो बाकी वैल्यूज गिवन है तैमूर भाई करें, ये भी आपकी तैमूर भाई गलत है, यहाँ भी सर पहला गलत आ रहा है, पहले पर में बार बार इशू शो कर रहा है। जी मैक्स को चेंज करें आप 471 आना चाहिए, 471 आना चाहिए। रुके मैं अपना एक वैल्यू देता हूँ, उससे गलत नहीं। ऐसे करें आप ना तैमूर भाई, एंटर करें 427.31, ठीक है, वीएस की वैल्यू, वीएस की वैल्यू 427.31। एडिट कर दो, नहीं नहीं वापस आए अभी अभी, जरा ना साइड पे क्लिक करें कहीं पे, ये चेंज होगा सब कुछ, क्लिक करें चेंज हुआ। अब दोबारा से ना जी मैक्स को आप करें, जो इसकी असल वैल्यू थी 430, अब साइड पे क्लिक करें, ये खुद बहुत चेंज होगा। 45 आपने असाइन कर दी हुई है ना इसको वैल्यू, मेरे ख्याल से वो ना 45 को अपने जिगर का टुकड़ा समझ रहा है, तो ऐसा करें ये लेयर डिलीट करें, ठीक है जी। हाँ जी ये लेयर डिलीट करते हैं सारी जी से। हाँ जी करते हैं, टेंशन ना लें आप, इधर से इंसर्ट करें ना, सारी ना करें, बस वही कर लें यहीं पर सर। हाँ जी। अच्छा तैमूर भाई, आपने जी मैक्स वगैरह खुद निकाले हैं? ये 39 के उन्होंने इसने दिए हैं ऑलरेडी, ये उसने 4 किया था, गया ना क्रेडिट भी गिवन है, ठीक है हमारे पास है यूनिट वेट है हमारे पास, अच्छा ऊपर नाम लिख दे, मटेरियल नेम जो है इसका सिल्टी क्ले, क्या करना है इसका? वो करते हैं अप्लाई करें जरा इधर आके, स्ट्रेंथ करेक्शन कहाँ पर करूँ ये करेक्शन? सी डालें आप, बी डालें, ये चाहिए हमारे पास 28 पीआई की वैल्यू डालें 10। अच्छा जी अब क्या करें, अब वीएस की, अब वीएस की जगह लिखें 427.31। हो गया बस, ठीक है। अच्छा ऐसे करें आप दूसरी लेयर पे जाएं, तो वैलिडेट करके देख लें, अगर चलता है काम तो ठीक है, क्योंकि मेरे जो मैनुअली जो जी मैक्स निकाला था ना वो इतना ही था जितना आपका है, लेकिन सॉफ्टवेयर कुछ और दे रहा है, जो बताया क्या वो सेम यही है, ठीक है ठीक है ठीक है, वैलिडेट करके देखें यार ये वो फिर आर नॉट कंसिस्टेंट। आप किसकी कह रहे हैं? लेयर 4, लेयर
लेयर फोर क्या किया इसमें आपने? इसमें ये यूनिट वेट कहाँ से लिया है आपने? 28.45 देखो उत्पन्न में बताया कि ये लेना है। अच्छा उत्पन्न बताया सही। मैं कहाँ से बताऊँ? उसने बताया उसने बिल्कुल ठीक है। ये ना थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का भी मसला है सारा। असल में यह होता है फिर दोबारा उस लेयर को पूरा दोबारा प्रिपेयर करना पड़ता है। दोबारा करें फिर इस लेयर को डिलीट करें, इस फिर से इंसर्ट करें, इंसर्ट करें। हमारे पास लिखे आप ये है मेरे ख्याल से सैंडी, मुझे कंफर्म नहीं है, चेक कर ले। गिल्टी गिल्टी जो भी है सिल्टी है, सिल्टी क्लियर है ठीक है ना। 10 VS VS नहीं है ये ना, अभी डालना आपने जी मैक्स डाले 500। यूनिट रेट कितने? ये 28.45 का है ना, बस वही डाले 45। अच्छा अब वी एस की वैल्यू जो है ना वो आपने डालनी है इधर 460.8 डाले इधर वी एस की वैल्यू 460.8। हाँ जी जल्दी जल्दी करेंगे तो मीटिंग 68.8 तो मीटिंग रिकॉर्डिंग ठीक हो गया। हाँ जी एक मिनट आ गया बस मीटिंग करेंगे नहीं 415 पे ठीक है। लोधी कर लेना अगली, लेकिन यार लोधी ऐसे मैसेज किया करो अपने पर्सनल लिंक से जनरेट किया करो क्योंकि आप करते हो। ये मैंने पर्सनल लिंक से किया, ये मैंने पर्सनल लिंक से नहीं किया। बस ठीक है सबके पास है ना, वो दोबारा आ जाएगा ठीक होगा। रिकॉर्डिंग ऑफ करके उसको वीडियो में कन्वर्ट कर लेना। अब तैमूर जल्दी से वैलिडेट करें, वैलिडेट करें वो 15.5।